ये रिंकी है। रिंकी संजय भैया को चंबी पुल पे दिखी, तो इसके पीछे की साइड एक बहुत बड़ा घाव है जिसमें कीड़े पड़े हुए, तो उन्होंने इसको गाड़ी में बिठा लिया और ये ले आए इसको फार्म पे। तो है क्या, रिंकी जो है एक अबैंडन्ड पेट है। अब इसका प्रयोग ब्रीडिंग के लिए किया गया, इसके बड़े सारे बच्चे पैदा किए जो बेच दिए गए, और जब जैसे गाय के साथ होता है 3 या 4 साल बाद उसको बाहर निकाल दिया गया और अब ये सड़क पर रुल रही है। अब इनका क्या है, ये जो घर के पाले हुए कुत्ते होते हैं ना, इनकी हालत गली के कुत्तों से भी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि इनको नहीं पता कि खाना कहाँ से मिलेगा, कूड़े का ढेर कहाँ पे है, इनको गाड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसकी सड़क पर किसी से लड़ाई हो गई होगी और इसके घाव हो गया। खैर, घाव तो इसका ठीक हो जाएगा, इसकी एडॉप्शन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आखिरकार एक ब्रीड डॉग है, रॉटवाइलर है। आई एम श्योर कोई टफ टाइप आदमी आ जाएगा इसको लेने जिसकी पर्सनैलिटी से मैच करेगी। समस्या की जड़ ये है कि आम लोगों को तो भूल जाइए, डॉग लवर को भी जो ब्रीड डॉग है ना वो स्टेटस सिंबल लगते हैं। मैं औरों की क्या बात करूं, बचपन में मेरे पास 2 देसी कुत्ते थे, तो मैं एक को लैब्राडोर मिक्स बताता था, एक को जर्मन शेफर्ड मिक्स बताता था, क्योंकि मुझे ये बोलने में शर्म आती थी कि मैंने इन्हें गली से उठा लिया। अब मैंने तो अच्छा काम किया, गली के कुत्तों को अडॉप्ट किया, फिर क्यों मुझे ये बताने में शर्म आती थी। अब होता क्या है कि कई चीज़ें जो है ना वो प्रचलित हो जाती हैं, वो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं, तो चाहे वो जितनी मर्जी गलत हो। आ जा, थक गई, आ जा बैठ जा। जैसे कि कुत्ते खरीदना, जैसे मीट खाना, घर में शराब पी के बीवी को मारना, ये चीज़ें फिर भी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। पर जो चीज़ें पॉपुलर कल्चर का हिस्सा नहीं है, जैसे गली से कुत्ता उठा लाना, आपकी बेटी घर आके बैठ गई है क्योंकि वो प्रताड़ित है, तो 6 महीने वो घर बैठी हुई है, पिता को शर्म आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भी चीज़ें जो हैं पॉपुलर नहीं है, इतना कॉमन नहीं है कि भाई बेटी अपने पिता के घर आ सकती है उसको पति तंग कर रहा हो। तो आप कहेंगे, रॉबिन सिंह जी ये समस्या तो आपने बता दी, इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब हम ये जो चीज़ें करते हैं जिसमें हमें पता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, तो हमें उसको करने के अलावा उसको पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। मीट खाने वाले तो बहुत फोटो डाल देते हैं, ये देखिए मैंने रोगन जोश खाया, मैंने सीख कबाब खाए, पर 30% जनता भारत की वेजिटेरियन है, वो इस बारे में बात नहीं करती कि हाँ हम वेजिटेरियन हैं। आपने देसी कुत्ता अडॉप्ट किया, अब इस बारे में बात करिए, आपकी बेटी या आपकी बहन अपने दकियानुसी ससुर या पीटने वाले पति को छोड़ के घर आ गई है, तो आप बताइए, इस बारे में आप प्राउड फील करिए कि हाँ हमारा जो घर है वो बेटी का घर शादी के बाद भी है, तब जाके ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और तब जाके हम सिर्फ उन बातों के बारे में शर्मिंदा होंगे जिनके बारे में हमें शर्मिंदा होना चाहिए।